हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस। गाइस, ऑटो सेक्टर में आज आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी खासी तेजी आ रही है, पूरी मार्केट में तेजी है, जिसको लीड ऑटो सेक्टर ही कर रहा है। और ऑटो में फोर व्हीलर्स में अच्छी खासी तेजी देखी जा रही है। आप देख सकते हैं मारुति, अशोक लेलैंड दोनों शेयर 4-4% के करीब तेज हैं। ऐसे में गाइस, टाटा मोटर्स में बाय की रिकमेंडेशन आ रही है। मैं आपको बता दूं, टाटा मोटर्स अभी 2.5% के करीब ही तेज है। शेयर अपने 52 वीक हाई से थोड़ा सा नीचे आ गया है और अच्छा खासा लेवल ऊपर के लेवल पे ही चल रहा था। शेयर 52 वीक के करीब ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। ऐसे में शेयर में बाय की रिकमेंडेशन है। मैं आपको बता दूं, मार्केट अच्छी खासी तेजी दिखा रही है आज सुबह से ही। मार्केट अभी 15,866 पे ट्रेड कर रही है। निफ्टी ओपन हुई थी 15,840 पे, जिसके बाद निफ्टी ने हाई लगाया 15,895 का, यानी कि आप कह सकते हैं 15,900 का। 52 वीक हाई भी निफ्टी का गाइस 15,901 का ही है, यानी कि 52 वीक हाई पे ही खड़ी है मार्केट। ऐसे में ऑटो सेक्टर में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है, जहां पे मुझे लगता है टाटा मोटर्स में आप लोग बाय इनिशिएट कर सकते हैं। अभी 342.65 पे चल रहा है, 340, 341 या 342, यहाँ जहाँ भी यहाँ करंट मार्केट प्राइस से भी आप बाय करके जा सकते हैं शेयर में। मुझे लगता है शेयर दोबारा से अपने 52 वीक हाई को टेस्ट करेगा। अभी जहाँ पे शेयर ने अभी लास्ट वीक ही अपना 52 वीक हाई लगाया है, तो मुझे लगता है शेयर वहाँ तक दोबारा जाना चाहिए। 355-360 तक के लेवल्स पे जा सकता है दोबारा, अगर मार्केट में कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं आती है अभी फिलहाल तो। जैसा मैंने कहा आपको, ऑटो सेक्टर में अच्छी खासी तेजी देखी जा रही है आज के दिन। अगर ऑटो सेक्टर की बात करें तो मार्केट को लीड कर रहा है ऑटो। अभी ऑटो इंडेक्स की बात करें तो ऑटो इंडेक्स 1.73% की तेजी दिखा रही है, और ऑटो इंडेक्स अभी 10,582 पे चल रहा है, जिसमें आज के दिन का हाई लगाया है ऑटो इंडेक्स ने 10,614 का, यानी कि डे हाई के पास ही है बिल्कुल। 1.75% की तेजी है, 181 पॉइंट्स की तेजी देखी जा सकती है। ऐसे में फोर व्हीलर्स अच्छा खासा लीड कर रहे हैं। अशोक लेलैंड 2.5% ऊपर है, मारुति 3-3.5% के करीब की तेजी देखी जा रही है। टाटा मोटर्स में भी कहीं ना कहीं तेजी बन रही है, तो यहाँ पे आप बाय करके जा सकते हैं। पहले भी गाइज मैंने इस पे बाय की रिकमेंडेशन दी थी 344 के लेवल्स के करीब, लेकिन शेयर नीचे आ गया था। ऐसे में जिसके पास पोजीशन है वो चाहे तो यहाँ पे दोबारा से और शेयर ऐड करके 355-360 तक के लेवल्स इजीली देखे जा सकते हैं शेयर में। रिकमेंडेशन की बात करें तो अभी अभी बाय की रिकमेंडेशन एडलवाइस की तरफ से भी आई है, तो वहाँ भी उनका मानना है 380 तक के टारगेट्स हैं, लेकिन उनका ये 3-6 महीने के टारगेट्स हैं। अभी 52 वीक की हाई बात करें तो शेयर ने 15 जून को अपना 52 वीक हाई लगाया है, और आज है गाइस 22 जून, यानी कि एक हफ्ते पहले ही अभी 52 वीक हाई लगाया शेयर ने। तो शेयर अच्छे खासे मूवमेंट में चल रहा है, तो यहाँ पे आप मोमेंटम को प्ले कर सकते हैं, यहाँ पे बाय इनिशिएट कर सकते हैं। आपका एसएल गाइस 330 के करीब हो जाएगा, जो कि काफ़ी नीचे हो रहा है वैसे तो, बट अभी वहीं से घूमा है शेयर, तो आप 335-330 तक के लेवल्स के लिए स्टॉप लॉस ले सकते हैं। वैसे ऑटो सेक्टर में अच्छी खासी तेजी देखी जा रही है आज, तो यहाँ पे आप बाय करके जा सकते हैं। 360-370 तक के लेवल्स आ सकते हैं, अगर शेयर ने अपने 52 वीक हाई तोड़ा तो 380 तक भी जा सकता है, तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। एवरेज भी कर सकते हैं जिनकी ऊपर की पोजीशन है 360 तक के टारगेट्स के लिए। तो ये मेरी वीडियो टाटा मोटर्स पे, होप आप सभी को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।